रूस यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे, आखिर कब रुकेगा तबाही का मंजर? आज वो तारीख है जब दो देशों के बीच 2 साल पहले युद्ध की लकीर खींच दी गई थी, जिसके बाद से आज तक तबाही का मंजर नहीं थमा है, क्योंकि आज रूस यूक्रेन की जंग के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये नहीं लगता कि ये युद्ध किसी मुहाने तक पहुंच पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध से काफी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन तो पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही इस युद्ध में रूस का भी कम नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर 500 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी रूस पर नए प्रतिबंध की घोषणा की, जिससे रूस को नुकसान ही हुआ, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही। फिलहाल इन 2 सालों में इतनी तबाही हो चुकी है जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसलिए आपको बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई इस लड़ाई ने अब तक कितनी तबाही मचाई है और कैसे इस युद्ध की शुरुआत हुई है। कैसे शुरू हुआ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध? रूस ने भले ही 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था, पर इसकी कहानी 2014 में उसी वक्त शुरू हो गई थी जब क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। साथ ही दोनबास में सैन्य हस्तक्षेप किया गया था। फिर 2020 में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलेनी पर हमला किया गया, जिसके बाद नवलेनी को 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया। जंग की पहली शुरुआत यहीं से हुई थी। वैसे तो यूक्रेन को लेकर रूस में उठने वाली आवाजें पहले से ही दबाई जाती रही हैं, पर युद्ध शुरू होने के बाद इसमें और भी तेजी आई। इसके कारण रूस को होने वाले असली नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। फिर भी रूस और यूक्रेन एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। पहले तो रूस इस जंग को काफी आसान समझ रहा था। उसका अनुमान था कि हमला करके यूक्रेन की राजधानी कीव पर जल्द से जल्द कब्जा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन मुकाबले में डटकर सामने आ गया और कीव पर कब्जे की रूस की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, यानी धरी की धरी रह गईं। ये और बात है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस इस वक्त कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की नेशनल पुलिस का दावा है कि 30,000 से ज्यादा आम यूक्रेनी अपने घरों से लापता हैं। परिवार के लोगों से उनका अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वैसे अगर ये युद्ध यूक्रेन के लिए मौत और तबाही लेकर आया, तो रूसी सेना को भी इससे काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके थे, तो रूस के कई कस्बे भी गोलीबारी के साथ साथ ड्रोन से हमलों के शिकार हो चुके थे। सेना की ताकत घटने पर लाखों रूसी युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा था। रूस को सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि वाग्नर गुट के लड़ाकों ने विद्रोह कर दिया था। फिर इस गुट को लीड करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो जाती है, जो कभी व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम के मामले में रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया। व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नवेलनी की मौत भी कई सवालों को जन्म दे गई। वहीं अब रूस और यूक्रेन की जंग को 2 साल पूरे होने पर जहां रूस की सेनाएं पूरे यूक्रेन सीमा पर एक साथ चढ़ाई की तैयारी में डटी हुई हैं, वहीं इन 2 सालों में हुआ नुकसान दावों में सिमटा हुआ है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं। 22 फरवरी 2024 को यूक्रेन की सेना ने दावा किया था कि फरवरी 2022 से अब तक 4,07,240 रूसी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इनमें से 1,160 की मौत तो केवल बीते 24 घंटे में ही हुई। इससे एक दिन पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि एक दिन पहले ही यूक्रेन के 1,200 सैनिकों को मार गिराया गया था। हालांकि यूक्रेन को हुए कुल नुकसान के बारे में नहीं बताया गया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल अगस्त में दावा किया था कि दोनों ओर से लगभग 5 लाख लड़ाके या तो घायल हुए हैं या फिर मारे जा चुके हैं। इसी दौरान अमेरिकी अफसरों ने बताया कि
कि यूक्रेन के 70,000 लड़ाके इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और 1,20,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इस हिसाब से वर्तमान में ये संख्या कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसी साल जनवरी के आखिर में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जेम्स हिप्पे ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 3.5 लाख लोगों को मारा है। उन्होंने दावा किया था कि वैगनर ग्रुप के भी हजारों लोग मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। खैर, दावे तो कई बार किए गए लेकिन हकीकत कोई नहीं बता पाया। वहीं रूस की ओर से भी कभी कभी आंकड़ा दिया गया, इसलिए सही आंकड़े का अनुमान लगा पाना बेहद कठिन है। जैसे अगस्त 2023 की शुरुआत में रूस की आधिकारिक मीडिया ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा था कि 2023 की गर्मी के 3 महीनों में यूक्रेन अपने 43,000 जवानों को गंवा चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून 2023 के मध्य में ये दावा भी किया था कि रूस का नुकसान यूक्रेन के मुकाबले 10 गुना कम है। इसके बाद साल खत्म होने पर रूसी रक्षा मंत्री के हवाले से रूस की सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन में 3,83,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। वैसे इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वैसे मौतों का आंकड़ा कुछ भी हो, दोनों देशों की इस लड़ाई में मानवता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यूक्रेन में युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा। देश में अभी भी कई लोग लगातार गोलीबारी के डर से खाना पानी बिजली के बिना ही रहने पर मजबूर हैं फिलहाल। और रूस यूक्रेन युद्ध यूक्रेन को मानवीय तबाही की ओर ढकेल रहा है और ये तबाही आगे आने वाले समय में कितनी बड़ी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।